हेलो दोस्तों, एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। ये एक बहुत अच्छा मैजिकल दुनिया का एनिमे है, तो इसे भी थोड़ा सा देखिएगा, बहुत अच्छा एनिमे है। इसके बाद मैशली मैजिक एंड मसल्स का एपिसोड 23 आएगा, उसके लिए ज़रूर वेट कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बहुत ही अलसी बंदा मर जाता है, एक एंजल उसे दूसरे दुनिया में रीइनकार्नेट करता है जो दुनिया मैजिक से भरा हुआ था। उस दुनिया में उसकी पावर सबसे ज़्यादा है, पर उसे कोई पहचान नहीं पाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम हारुतो को देखते हैं। वो अपने पापा के बारे में सोच रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। मैजिक से अपने सामने वो कुछ स्क्रीन को अपीयर कराता है, उसमें जो देखता है वो देख के चौंक जाता है। तभी हमें बाहर की सीन दिखाया जाता है, बाहर बहुत सारे सोल्जर्स जख्मी पड़े हुए हैं। हारुतो अपने पापा के पास जाके पूछता है आखिर क्या हुआ है। गोल्ड उसे बताता है, माफ करना, मैंने ये सब तुमसे छुपाया था, पर लगता है कि हम पर हमला हुआ है। कुछ दिनों से गांव में अजीब कुछ हो रहा था और हम लोग सब कुछ ढूंढने के लिए निकले थे, पर तभी पीछे से हम पर हमला किया गया और अब देखो हमारा हाल। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। ये सब सुन के हारुतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो बाहर से धीरे धीरे निकल जाता है। तभी हम देखते हैं फ्ले को। फ्ले तभी बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी और तभी गुस्से में हारुतो उसे कहता है, फ्ले चुप हो जाओ, और बाहर से जाने लगता है। बाहर से जाते जाते हम देखते हैं वो अपना बैरियर मैजिक हर एक सोल्जर के ऊपर लगाता है और उन सबको धीरे धीरे हील करने लगता है। वो सब अपने आप को हील होते देख बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ ये देख के गोल्ड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम हारुतो को सोया हुआ देखते हैं। बाहर हम देखते हैं फ्ले उसके लिए वेट कर रही है। हारुतो जब उठ के बाहर आता है और बाहर फ्ले को देखता है तो वो उससे पूछता है आखिर क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों हो, पर फ्ले जवाब नहीं देता। हारुतो उसे एक दो बार और पूछता है पर फ्ले जवाब नहीं देती। तभी हारुतो को याद आता है कि उसने ही उसे गुस्से में सेटअप बोला था। हारुतो अपने बात के लिए माफ़ी मांगता है और उसे बात करने की इजाज़त दे देता है। तभी फ्ले कहती है, आपने ही तो कहा था, शायद मैंने ही कुछ गलती की थी, मुझे माफ़ कीजिए। यह सुन के हारुतो कहता है शायद उसने मेरी बात सुना नहीं। कुछ देर बाद हम उन दोनों को महल के ऊपर देखते हैं। हारुतो अपने स्क्रीन में चारों तरफ देख रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हर एक जगह को देख रहा है जहाँ पे वो चोर रह सकता था। बहुत सारे जगह ढूंढने के बाद उसे एक जगह मिलता है जहाँ पे वो कुछ लोगों को बातें करते सुनता है और उसे उन लोगों पर शक होता है। तभी वो फ्ले को कहता है चलो इन लोगों को सबक सिखाते हैं, और हम देखते हैं वो अपने बैरियर मैजिक की मदद से बाहर से उड़ के जाने लगता है। दूसरी तरफ उन दोनों को उड़ते हुए शार्लेट देख लेती है। हमें उन चोरों को दिखाया जाता है, वो लोग अपने चोरी और काम के लिए हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पे हारुतो आता है और उनसे पूछने लगता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पे। हारुतो को देख के वो हमला करने जाता है, पर हारुतो अपने मैजिक की मदद से उन्हें फ्रीज कर देता है। वो लोग समझ नहीं पाते अभी उनके साथ क्या हुआ। तभी एक बंदा बात करने की कोशिश करता है, पर हारुतो गुस्से में उसकी तरफ अटैक करता है। फिर हारुतो गुस्से में कहता है मुझे कुछ जवाब चाहिए, अगर तुम लोग देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे भी मार डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो सब लोग उसे सारा जवाब देता है कि वो इंपीरियल सोल्जर्स है, इस प्रदेश के अंदर उन्हें झमेला करने के लिए भेजा गया है, उसके आगे उन्हें कुछ नहीं पता। जवाब देने के बाद उनमें से एक आदमी कहता है हमें जो कुछ भी पता था हमने तुम्हें कह दिया है, हमें जाने दो। पर हम देखते हैं हारुतो तभी फ्ले को कहता है फ्ले इन सबको जला दो, तुम लोगों ने मेरी पापा को मारने की कोशिश की और ये गलती मैं माफ नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं फ्ले उन सबको जला के मार देती है, और वहां से जाते जाते फ्ले हारुतो से कहती है अपने अच्छा काम किया लॉर्ड हारुतो। हारुतो उसे बताता है जो भी हो अब मुझे पापा के पास एक एनोनिमस लेटर भेजना होगा ताकि उन्हें ये सब बताया जा सके। सीन शिफ्ट होता है, रात में हम गोल्ड के पास देखते हैं, उसके साथ शार्लेट भी है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर चिट्ठी पढ़ती है, वो सारे चोर और उनके रहने की जगह को पूरी तरह से जला दिया गया है, कितने लोग बच पाए हैं अभी ठीक नहीं है। उसके जाने के बाद शार्लेट गोल्ड से पूछती है पापा ऐसा काम अगर कौन कर सकता है। तभी गोल्ड के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, फ्ले। वो कहता है वो ही है जो मेरी लेवल को सरपास कर सकता है, या तक कि मैं उसको सरपास करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरी डिमांड प्रजाति को कंट्रोल कर सकती है। ये सब सुनकर शार्लेट को कुछ याद आता है। तभी हम देखते हैं शार्लेट वहां से दौड़ के फ्ले के पास जाके पूछती है फ्ले बताओ मुझे हारुतो के बारे में, आखिर वो कौन है। मैंने उस दिन हारुतो जैसा किसी को उड़ के जाते हुए देखा, पर जब मैं उसके रूम के अंदर गई तब देखा वो सो रहा था, पर उसके आसपास मुझे उसकी स्कैरी ऑरा महसूस नहीं हुआ। ये सुन के फ्ले कह दिया अच्छा तो तुम्हें भी लॉर्ड हारुतो का पावर समझ में आता है। फ्ले को देखते हैं वो हारुतो के बारे में कहने लगती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतना कि हमारे इस दुनिया में कोई भी ह्यूमन उसके आसपास के लेवल तक नहीं पहुँच सकते। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं
फ्ले ये सब हारुतो को बताता है। ये सुनने के बाद हारुतो नजर रखने के लिए उसके ऊपर कुछ मैजिक करता है ताकि वो किस वक्त कहाँ पे है, क्या कर रही है, उसे पता चले। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात में हारुतो जब बाथरूम जा रहा था तब उसके पीछे हम शार्लेट को देखते हैं। जब हारुतो पीछे देख के उसके साथ बात करने की कोशिश करती है वो वहां से भाग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं शार्लेट हारुतो का हर जगह पीछा करने लगता है, चाहे बाथरूम हो, खाना खाते टाइम हो, हर जगह उसके पीछे पीछे आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जब सब खाना खा रहे थे तब गोल्ड हारुतो को बताता है उसके मम्मी और शार्लेट एक ट्रिप पे जाने वाले हैं जिसमें एक्चुअली गोल्ड को जाना था पर कुछ काम की वजह से वो जा नहीं पा रहा है। ये सुन के हारुतो उसके मम्मी को कहती है अब फ्ले को ले जाओ, पर उसकी मम्मी कहती है हाँ वो तो ठीक ही है मगर फ्ले को बहुत दिन से देखा नहीं। तभी हारुतो को याद आता है कि फ्ले को वो इस पूरे प्रदेश के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था और शायद वो उसके दिया हुआ काम को ज्यादा ही सीरियस ले चुकी है। कुछ देर बाद हारुतो सोया हुआ है, उसकी अलार्म बहुत तेजी से बजने लगता है। तभी अपना स्क्रीन ऑन करता है और देखता है उसके मम्मी और बहन पर हमला हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, अब नटाली और शार्लेट को देखते हैं, उन दोनों के ऊपर सच में हमला हुआ है। एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो लड़ते लड़ते उन दोनों को बाहर से भागने के लिए कहता है। नटाली शार्लेट को लेके बाहर से भागने लगती है पर तभी देखते हैं कुछ सोल्जर उनके पीछे आने लगता है और उस पर मैजिक कर देता है। नटाली उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर एक मैजिक स्पेल उसके पैरों पे लगता है जिससे उसके पैर कट जाता है। तभी हम देखते हैं शार्लेट के कान के पास एक छोटा सा बैरियर मैजिक आता है। इसके बाद शार्लेट अपने मम्मी को डायरेक्शन देने लगता है कि कहां जाना है। ये देखकर नटाली सोचने लगती है कि आखिर क्या हुआ, कौन इसे ऐसे रास्ता दिखा रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ऐसे ही जाते जाते वो लोग एक गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के अंदर जाके नटालिया देखती है वहाँ पे बहुत सारी रोशनी है और वो सोचने लगती है यहाँ पे तो इतना ज्यादा रोशनी है कि यहाँ पे कोई छुप नहीं सकता। और वो शार्लेट को कहती है तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे रहो, मैं बाहर जाके जो हमारी मदद कर रहा है उसे ढूंढ के लाता हूँ। पर शार्लेट उससे पूछती है मम्मी वो कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। फिर नटालिया उसे कहने लगती है वो है हीरो ऑफ जस्टिस, जो बुरा करते हैं उनके लिए बहुत बुरा है और उनको सजा देता है। तभी वो उसे वहां पर रख के बाहर आ जाती है पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है गुफा के ऊपर एक इल्यूजनरी मैजिक किया गया था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि गुफा पूरी तरह से बंद है और वो सोचने लगती है इतना पावर आखिर किसके पास है। तभी उसके पीछे सारे सोल्जर आ जाते हैं, वो उन्हें पकड़ने ही वाले थे पर हम नटालिया को देखते हैं वो एक चाकू निकालती है, खुद को ही मारने जाती है। तभी हम देखते हैं वो चाकू पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है, नटालिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पे हारुतो आ जाता है, अपने माँ को पकड़ के बस सोचने लगती है टॉप स्पीड से उड़ना भी काफ़ी नहीं था, यहाँ पे आने में मुझे लेट हो ही गया। फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन गुंडों को कहने लगता है निकल जाओ यहाँ से नहीं तो मर जाओगे। वो सब उस पर ही अटैक करने वाले थे पर हारुतो अपने सिर्फ एक ब्लो के मदद से उन सबको वहां से उड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम शार्लेट को देखते हैं, वो गुफा के अंदर डरी सहमी सी बैठी है पर तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है पीछे से जो कि हारुतो था और वो अपना आवाज़ चेंज करके उसे कहने लगता है तुम्हारी माँ को मैं ले आया। हम देखते हैं शार्लेट को उसकी ऑरा समझ में आ जाता है और वो पीछे मुड़ के उसे बुलाती है। उसके बुलाने पर हारुतो भी पीछे मुड़ता है। शार्लेट बहुत ही क्यूरियस होकर उससे पूछने लगती है क्या तुम ही हो हीरो ऑफ जस्टिस जो बुरा करते हैं उन्हें सबक सिखाते हो। ये सुन के हारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आता है पर वो हाँ कर देता है। ये सुन के शार्लेट बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे बहुत खुश होकर बात करने लगती है। हारुतो कहता है पर तुम किसी को बताओगी नहीं। ये सुन के शार्लेट भी कहती है नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सच में मैं सबसे छुपा के रखूंगी। सीन शिफ्ट होता है, रात में महल का सीन देखते हैं, गोल्ड को खबर मिलता है शार्लेट और नटालिया अब ठीक है, उनके साथ फ्ले है। गोल्ड सोचने लगता है कि आखिर हमारी मदद ऐसे कौन कर सकता है, कौन है जो इतना पावरफुल है फिर भी खुद को रिवील नहीं करना चाहता। तभी हारुतो कहता है वो जो भी हो इंपीरियल सोल्जर्स को उसने सबक सिखाया यह तो बहुत अच्छा है। उसके मुंह से इंपीरियल सोल्जर्स का नाम सुन के गोल्ड को शक होता है, हारुतो से पूछने लगता है तुम्हें कैसे पता। हारुतो उल्टा पल्टा जवाब दे के संभाल तो लेता है पर गोल्ड कहता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े हो। तभी वहाँ पे शार्लेट आती है और गोल्ड को हक करने के बाद वो हारुतो को देखती है और उसके पास आके उसे भी हक कर लेती है। हारुतो को हक करते हुए देख के सब वहाँ पे चौंक जाते हैं क्योंकि आज तक उसने हारुतो से बात भी नहीं की थी। इससे हारुतो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है पर दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्ले को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लॉर्ड हारुतो को छोड़ने के लिए कहती है। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।